अब दोस्तों हमने ओला बुक कर ली। ओला बुक कर ली, ये ओला जा रही है हिंदी भी, क्योंकि हिंदुस्तान में सड़कें खराब हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पूरा सदर बाजार। तो सदर बाजार के अंदर सबसे पहले हम आए हैं छोले कुलचे की शॉप पर, जिनके छोले कुलचे बहुत ही फेमस है। थोड़ा सा बताएंगे कितने टाइम से आप बना रहे हैं छोले कुलचे की शॉप? ये फराम है जी 1954 से। तो यानी कि आपको 67 साल हो गए, 70 साल के लगभग मान सकते हैं। हाँ जी हाँ जी, काफी दूर से आते हैं। जैसे छोले कुलचे तो गली गली में मिलते हैं, पर आपकी शॉप में ऐसा क्या फेमस है? ये अपना फेमस है कि अपनी क्वालिटी क्वालिटी मेंटेन कर रखी है। अच्छा, इसलिए मतलब आपने क्वालिटी डाउन नहीं करी? नहीं डाउन नहीं। जब शुरुआत हुई थी हाँ जी, उस टाइम पर कितने रुपए के छोले कुलचे की प्लेट थी आपको? उस वक्त कुलचे छोले थे 25 पैसे। तो छोले कुलचे ही है, आपने इसके अलावा कोई और आइटम नहीं जोड़ी? चावल छोले हैं, भटूरे छोले हैं, कुलचे छोले हैं, पालक पनीर, दही भल्ला, रसगुल्ला, रसमलाई, गुलाब जामुन। तो दोस्तों फटाफट से खाकर बताते हैं भाई साहब के जो छोले कुलचे इतने फेमस हैं, तो क्या सच में मतलब हमें जो लोगों ने बताया है उनकी बातों में कितनी सच्चाई है? बाकी यहाँ के कुछ जो लोग खाने वाले होंगे उनका भी फीडबैक लेंगे कि उन्हें उनके खाने में कैसे लगते हैं और वो कब से खाते हुए आ रहे हैं। तो आप भाई साहब पहली बार खा रहे हो? हम पहली बार तबाही छोले और कुलचे खाएंगे यहाँ पर, और उसका टेस्ट करने के बाद में आपको बताएंगे कि कैसे। काफ़ी पुरानी दुकान है इनकी, कितनी तलावट आती है। हाँ काफ़ी टेस्ट है छोलों के अंदर, अच्छा जायका है। नहीं जैसे और जगह के खाते हो उनसे कितना फर्क है जो गली गली में बेचते हैं 20 रुपए की प्लेट? नहीं वो तो ऑर्डिनरी होते हैं, लेकिन इनका जो है ना पुराना काम है ये, और इनका टेस्ट जो है अच्छा है वैसा ही है। अच्छा, तो दोस्तों हमने छोले कुलचे तो खा ही लिए हैं, और आप लोग बताओ कि कैसे हैं। इसके साथ साथ अब हम जा रहे हैं सदर बाजार, सदर बाजार के पास ही थी वो दुकान भी, तो वहाँ का भी आप थोड़ा सा आगे का देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप लोगों के लिए सैर सपाटा भी नमोकार में ऐसी नई नई आइटम लेकर आते रहते हैं। और इसी के साथ जल्दी से कमेंट करके बताओ कि अगर आपने इनके छोले कुलचे खाए हैं तो आपको कैसे लगे। अब कितने रुपये मांग रहा है यार? कितने रुपये मांग रहा है यार? 30 रुपये। भाई 20 रुपये का काम है यार, ऐसा मत कर यार। हाँ अरे इनकम टैक्स की रेट बढ़ जाए। भाई इनकम टैक्स करोड़ों का मेरे आप तो पड़ा हुआ नहीं। अभी रोज मिल्क पिया था लेकिन असर नहीं हुआ। असर नहीं हुआ। चलो जी चलो बैठ गए। बैठ गए जी, अब हमारा काफिला चलता है। हाँ जी चलो जी चलो सदर बाजार की तरफ। हाँ जी, अब दोस्तों हमने ओला बुक कर ली। ओला बुक कर ली। ये ओला जा रही है हिंदी भी, क्योंकि हिंदुस्तान में सड़कें खराब हैं, उसकी वजह से ओला गाड़ी जो है वो डगमग डगमग करती हुई जा रही है, इसमें लुढ़कने का और गिरने का डर रहता है। देखो अभी थोड़ा बहुत कुछ खा गया है, सब पेट में इधर उधर होके चक्की के अंदर सब हजम हो जा रहा है। यार इससे पूछो तो पेटीएम ले लेगा। ले लेगा बट ठीक है यार, पेटीएम ही कर देंगे भाई। तो पेटीएम सबके पास है। हाँ मोदी ने कह रखा है भाई, चाय पिएगा तो पेटीएम, हिसाब करेगा तो पेटीएम, देना पड़ते ना वहाँ पेटीएम से डाल दो या चेक काट के दे दो 2 रुपये। उधर जो मुड़ गया ना रास्ता, हाँ वो जीवी रोड, जीवी जीवन बर्बाद रोड, बर्बाद रोड, जीवी रोड। पहले जीवी रोड यहाँ पे था, ये काट बाजार। अच्छा यहाँ पर था पहले, ये नेहरू ने जब नेहरू की हुकूमत थी तो यहाँ से हटा के ना वो फिल्म आई थी प्यासा, हाँ गुरुदत्त की, हाँ देखी थी। हाँ ये महल हो, ये तख्तों ने ताजू की दुनिया, यही रिकॉर्डिंग हुई थी उसकी? नहीं वो उस टाइम की जीवी रोड था यहाँ। अच्छा, तो ये जीवी रोड को यहाँ से नेहरू ने हटाया फौरन। अच्छा, और यहाँ ट्रांसफर कर दिया। तो दोस्तों फाइनली सदर बाजार में हम एंटर कर चुके हैं, आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। रिक्शे वाले ने तो हमें पहले ही उतार दिया, और अब चले जा रहे हैं। दोस्तों सदर बाजार में एक छोले भटूरे की भी बहुत मशहूर दुकान है यहाँ पर,
और दुकान आप देखोगे क्या बराबर है जी, 3 फुट की दुकान। क्या रेट है भाई साहब? सब यही रेट है? नहीं भैया, लाइट शो है, पैसा था। अच्छा मैम, आप कुछ बताना चाहेंगी कैसे हैं? बहुत टेस्टी है। अच्छे हैं? हाँ जी जी। आप जब भी आते हैं हम इसी की खाते हैं। नहीं, छोले भटूरे वेरी गुड, टेस्टी है। सबसे अच्छे आपको छोले भटूरे लगते हैं? कुछ और भी खाकर देखा आपने? नहीं, हमने छोले भटूरे ही खाए हैं हमेशा। छोले भटूरे बढ़िया, छोले भटूरे टू टेस्टी। जी भाई आप बताओ, लो पकड़ो तुम। सर यहाँ से राजमा चावल 232 नंबर दुकान है, राजमा चावल यहाँ का मशहूर है। अच्छा सर, बहुत मशहूर दुकान है, हमको 6 साल हो गए यहाँ पे देखते देखते। अच्छा जी, आपने तो खाए होंगे? हाँ जी सर। चलो बढ़िया है। जी सर, और क्या पसंद है यहाँ का? सर छोला भटूरा भी पसंद है सर, पालक पनीर है, बढ़िया है, बहुत टेस्टी है। अच्छा, और बाकी सभी आइटम अच्छी है। घर में नहीं बनता खाना? घर में बनता है, घर में बनता है। भाई साहब कुछ बताओ अपनी स्ट्रॉबेरी के बारे में यार। ये बाहर की पूनम की है। पूनम जी? पूना, पूना की, पूना की है? हाँ जी। तो वहाँ से आप ही लेकर आते? नहीं नहीं, यहाँ मंडी आजाद को जाती है। अच्छा जी हाँ। तो क्या रेट है भाई साहब? ये 50 की डिब्बी बिकती है। 50 की डिब्बी बिकती है, चलो तो खर्चा पानी निकल जाता है। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया। तो दो पैकेट दोस्तों हमने भी ले लिए स्ट्रॉबेरी के, ये देखो काली पन्नी में ये हमने पैक करा लिए। तो आप लोग भी जब भी आओ तो ज़रूर लेना यार, और काफ़ी अच्छा है, मतलब इनकी क्वालिटी भी है, ऐसा नहीं है, इन्होंने टेस्ट भी कराई हमें। तो अगर आपका कभी आना हो सदर बाज़ार में और ये बाबा जी मिलें तो बताना हमारे चैनल के बारे में, वीडियो के बारे में, और आप ज़रूर लेना। और प्लीज़ बार्गेनिंग मत करना यार, क्योंकि यार थोड़ा बहुत इंसान कमाने के लिए निकलता है। और मैं गरीब तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो लोग मजबूर हैं कहीं ना कहीं कि इस उम्र में भी उन्हें काम करना पड़ रहा है, तो हम इतना तो कर ही सकते हैं कि उनसे बार्गेनिंग ना करें। जो नोट बदलते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो चलो एक दुकान से पता कर लेते हैं कि पुराने नोट भी बदले जाएंगे या नहीं। भाई सारे नोट चल जाएंगे? सारे जो कानून के होंगे हैं, जो बैंक में लगने वाले होंगे केवल वही। अरे हाँ, मैं कौन सा चूरन के नोट 1500 के भी चल जाएंगे? अब नहीं चलेंगे वे, उसका कुछ तो मिलेगा। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं तेलीबाड़ी, और यहाँ पांव रखने की जगह नहीं है आदमी की। ये देखो दोस्तों, सबसे पहले ताश की गड्डी लेते हैं, देखते हैं अच्छी सी कोई दुकान पे कुछ यूनिक कार्ड्स मिले यार। ये पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा मुआयना करा देता हूँ। मुझे शतरंज का भी काफ़ी शौक़ है, पर वो बात अलग है, कोई ज़्यादा खेलने वाले लोग मिलते नहीं हैं। आप लूडो रखते हो? नहीं, वैसे नहीं, जो होती दबाने वाली, वो वहाँ कहाँ मिलेगी? ताश रखते हो? ताश बराबर। ये दोस्तों जो दुकान है ये पूरी ताश की मेरे हिसाब से मशहूर है। आपका मेन ताश का ही काम है भाई साहब? तो आपके पास तो सभी वैरायटी के होते होंगे। तो दोस्तों सदर बाजार में घूमते घूमते हमें दिन से रात हो गई है, मतलब अब दिन छिपने वाला है, तो अब सीधा घर की तरफ चल देते हैं। तो आज के व्लॉग को यहीं तक रखते हैं। अभी फ़िलहाल अंकल ख़रीद रहे हैं जूते, तो आप देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर जूतों की दुकान पर कुछ शॉपिंग मैंने भी की है, मैं अपनी भी दिखा को। ये देखिए कुछ मैंने और भी सामान लिया है, तो इन्हें यहाँ पर पसंद नहीं आया कुछ भी। लेकिन फ़िलहाल बस आप लोगों से ये कहूँगा कि आप लोगों ने देखा हमारा ये व्लॉग, आपको अच्छा लगा हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी सदर बाज़ार से भी यार मैंने दो चीज़ें ली हैं, और वो हैं ताश की गड्डियाँ। तो अगर वो देखना चाहते हैं आप, तो उसे आप इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं जाकर, वहाँ पर मैं उनकी अनबॉक्सिंग वगैरह करूँगा। तो बस आप लोगों को उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो आगे के व्लॉग देखने के लिए।